तो फाइनली कंगुआ रिलीज हो गया और अभी अभी मैं कंगुआ देख करके आ रहा हूँ। थिएटर जो है हाउसफुल चल रहा है और सूर्या के जो फैन है वो ताबड़तोड़ इस मूवी के एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके मन में रह गया है कि यार क्या बना दिया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कंगुआ मूवी जो है टक्कर देगी बाहुबली को और KGF को, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यार आखिर क्या बना दिया, क्यों बना दिया और कैसे बना दिया। इस मूवी की स्टारिंग की अगर हम बात करें तो इसमें है सूर्या जो कि हीरो का रोल निभा रहे हैं, और इस मूवी में सूर्या का डुअल रोल दिखाया गया है। जो फीमेल एक्ट्रेस है उसका नाम है दिशा पटानी, और दिशा पटानी ने इसमें कोशिश किया है अपने ग्लैमर को दिखाने का जिसमें वो नाकाम रहती हैं, और एक ऐसा कॉमेडी भी दिखाया गया है जिसमें लोगों को हंसाने का कोशिश किया जाता है लेकिन अफसोस उसमें वो नाकामयाब रहते हैं। और फिर आते हैं बॉबी देओल जो कि उनको कोशिश किया गया था कि मूवी में खूंखार दिखाने का, लेकिन ये कोशिश असफल रह गई। लगभग 2.5 घंटे की इस मूवी ने पब्लिक को कितना खुश किया और कितना दुखी किया ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, और इस मूवी को क्यों बनाया गया, मूवी का कहानी क्या है, ये सारी बातों को हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले और भी एंटरटेनमेंट वीडियोस, इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपको मिलते रहें। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है, अगर आपको पुनर्जन्म वाली कहानियां अच्छी लगती हैं तो ये फिल्म आपको बहुत ज्यादा एंटरटेन करने वाली है, क्योंकि इस मूवी में सूर्या का डुअल रोल दिखाया गया, पहला जो कि एक पुराने जमाने का बहुत ही खूंखार बहुत ही पावरफुल राजा होता है और वो लड़ता है अपने लोगों के लिए। अब कहते हैं ना कि उन्हीं लोगों में से कुछ गद्दार निकल जाते हैं, ये कहानी भी कुछ उसी तरीके का। कहने का मतलब ये है कि ये मूवी जो है बेसिकली बनाया गया है लालच के ऊपर। इसको एक शब्द में डिफाइन किया जाए तो अंग्रेज के ज़माने का टाइम था, अंग्रेज जो है अपने आइलैंड ढूंढ रहे थे, उसी में से इनका आइलैंड पे अंग्रेजों का बुरी नज़र चला जाता है और आइलैंड के ही कुछ लोग जो है गद्दार निकल जाते हैं, और इसी पर ये मूवी बनकर के तैयार हुई है। लेकिन यहाँ पर जो है फिल्म को एक सीरीज में ख़त्म किया जा सकता था लेकिन उसके बावजूद जबरदस्ती खींच तीस करके पार्ट 2 बनाया जा रहा है। 2.5 घंटे की फिल्म में लगभग दिखाया क्या जाता है, तो फिल्म के स्टार्टिंग होते ही आपको जो है लगभग 2024 यानी कि फ्यूचर स्टेट टाइम हमारा जो चल रहा है उसमें दिखाया जाएगा, कुछ बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उनके हेड पे कुछ अजीब तरीके का मास्क पहनाया जाता है, कुछ बैंड टाइप का होता है, उन पे एक्सपेरिमेंट होता है। दिखाई एक झलक में देख करके मानो जैसा लग रहा था कि बच्चे के ऊपर जो है मानसिक तौर पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, और तभी जो है एक्सपेरिमेंट के दौरान एक बच्चा वहां से निकल करके भाग जाता है, और जब वो बच्चा भागता है तो फिल्म में ऐसा दिखाया जाता है कि हो सकता है कि वो बच्चा पावरफुल हो क्योंकि उसकी आंखें ग्रीन हो जा रही थी, देख करके लग रहा था कि वो हो सकता है पावरफुल होगा। और एक टाइम के लिए मुझे भी लगा कि हो सकता है ये बच्चा मैजिक करेगा, कुछ करेगा, लेकिन उससे एक पत्ता भी नहीं डोला इंटायर मूवी में। लेकिन जब मूवी खत्म होती है तो मूवी के एंड में जबरदस्ती का एक ऐसा पार्ट दिखाया जाता है जिसमें वो बच्चा जो है अपने हाथ से गाड़ियों को हिला रहा है। अब यार मुझे एक कॉमन सेंस समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या सोच करके इस मूवी को लिखा गया है और बनाया गया है। अगर उस बच्चे में पावर थी तो उसने 2.5 घंटे की इस तबाही वाले समय में पूरी मूवी निकल गई, उसने एक बार भी कोई जादू नहीं किया यार, वो भागते रहा चिल्लाते रहा बस और ख़त्म। लेकिन लास्ट में खींच तीर करके एक ऐसा पार्ट दिखाया जाता है जिसमें बच्चा जो है गाड़ी उड़ाता है ताकि पार्ट 2 में दिखाने के लिए कुछ आ जाए। अब आते हैं हमारे सूर्या पर। सूर्या जो है फिल्म का मेन हीरो है, और इस मेन हीरो का काम ये होता है कि ये 2024 वाले सीन में एक बाउंटी हंटर होता है, और इसका काम ये होता है कि अपराधियों को वो पकड़ता है, जिन अपराधियों को पुलिस नहीं पकड़ पाता है उन अपराधियों को ये पकड़ते हैं और पकड़ करके उन्हें पुलिस के हवाले करते हैं। और इनकी गर्लफ्रेंड होती है मूवी में दिशा पटानी, और दिशा पटानी का रोल कुछ ऐसा होता है कि वो जबरदस्ती अपना ग्लैमर दिखाने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकामयाब रहती हैं, और एक कैरेक्टर रहता है हंसाने का, अफसोस ऑडियंस को वो हंसाने में नाकामयाब रहते हैं। और से आते हैं सूर्या पर। सूर्या का माइंड जो है ऐसा रहता है कभी एंशियंट टाइम में कभी करंट टाइम में। होता यह है कि वो एंशियंट टाइम में एक बहुत बड़ा राजा होता है, एक वॉरियर किंग होता है, और वो जो है अपने लोगों को बचाने के लिए लड़ता है, और उनकी जो लड़ाई होती है वो होती है बॉबी देओल से, और बॉबी देओल जो है उनका अपना एक आइलैंड होता है, बॉबी देओल और सूर्या का लड़ाई होता है आपस में, और लड़ाई में जो है बॉबी देओल की मौत हो जाती है। तो ये कहानी कुछ इस तरीके से चलती है कि वॉर में बॉबी देओल मर जाता है और उसी वॉर में छोटा सा बच्चा ही मर जाता है। यार मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि 2.5 घंटे की इस मूवी में ना ही कोई जबरदस्त वाला डायलॉग है और ना ही कोई ऐसा कोई सीन है जिसे देख करके एकदम आइकॉनिक वाला फील आए, और ना ही ऐसा कोई ग्लिम्स इसमें छोड़ा गया है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लोग एक्साइटेड होते हैं पार्ट 2 को देखने के लिए। और अगर बात की जाए पार्ट 2 की तो आप क्लियर यहाँ पे सोच सकते हो कि जबरदस्ती का जो है यहाँ पर कंगुआ पार्ट 2 बनाया जाएगा, क्योंकि इस मूवी को 2.5 घंटे में बहुत आराम से खत्म किया जा सकता था, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो है
लोगों को एंटरटेन करने से ज्यादा अपना बैंक बैलेंस का ज्यादा ध्यान है, क्योंकि देखो एक नई मूवी बनेगी, एक नया नाम मिलेगा, उसके लिए प्रमोशन किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर लक बाय चांस खेला जा रहा है, क्योंकि अगर ये मूवी चल गई तो लोग एक्साइटेड होंगे पार्ट टू के लिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि शायद ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो पार्ट टू के लिए एक्साइटेड होंगे, क्योंकि पार्ट टू में ऐसा कुछ है नहीं। अगर बात की जाए बॉबी देओल की तो वो मर चुका है, बात की जाए सूर्या की तो उसने अपने लोगों को बचा लिया है, कहानी यहाँ तक खत्म हो जाना चाहिए था। बात की जाए उस बच्चे की, पुनर्जन्म का कोई कहानी होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो अपनी खुशी से मरता है, कहानी खत्म। एक वचन के लिए उसका दोबारा जन्म और पुनर्जन्म भी होता है, तो लास्ट में उस बच्चे का ग्लिम्प्स दिखाया जाता है कि वो गाड़ी उड़ा रहा है। और फिर देखो यार, बेसिक सी बात पता है क्या है, इन पार्ट टू बनाने वालों की लत लग चुकी है, उन्हें लगता है कि वो राजा मौली बन जाएंगे, उन्हें लगता है कि वो बाहुबली जैसे मूवी की तरह एक हाइप क्रिएट करेंगे, पुष्पा की तरह एक हाइप क्रिएट करेंगे, उन्हें लगता है KGF की तरह एक हाइप क्रिएट करेंगे, लेकिन उन्हें लगता रह जाता है और होता कुछ है नहीं। क्योंकि देखो बेसिकली बात यह है कि अभी रिसेंटली पुष्पा का ट्रेलर लॉन्च हुआ, और लॉन्च होते ही जबरदस्त वाला जो है हाइप चढ़ा, और जबरदस्त वाला जो है व्यूज आया, लाइक्स आया, और मतलब लोग वेट कर रहे हैं। पुष्पा 2 का जो ट्रेलर है वो बिहार में लॉन्च किया गया, इवन बात चल रही है KGF 3 बनाने की, तो हम लोग क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि मूवी एंटरटेनिंग है, कहानी अच्छा है, इसलिए देखना चाहते हैं। लेकिन जबरदस्ती का कंगुआ मूवी को, जो कि एक पार्ट में खत्म किया जा सकता था, उसके बावजूद इसे टान करके पार्ट टू के लिए तैयार किया गया। और अगर आपने इस मूवी को देखा है तो आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है इस मूवी को, जो कि पार्ट 1 में खत्म हो सकता था, फिर भी ये वीडियो को कैसा लगा अपने थॉट जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।